हेलो बच्चा, वेलकम टू बैक बेंचेस एकेडमी हैशटैग मयंक सर। क्लास 9 के बच्चे, आप लोग मेरे को इतना नहीं पहचानते, क्लास 10 11 12 सब मेरे को जानता है। और आज मैं बहुत 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 खुश हूँ आपको ये बताने के लिए कि आज मैं आपके लिए लाया हूँ जूलियस सीजर का समरी। हम लोग बहुत ही जल्दी जूलियस सीजर का फुल प्रॉपर वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और आप इसके पार्ट हो सकते हो, आप लोग एडमिशन ले सकते हो क्लास 9 में, ठीक है। और आप लोग भी जूलियस सीजर में जो हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे उसके पार्ट हो सकते हो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत लकी हो, कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी दैट यू आर रीडिंग जूलियस सीजर। पिछले साल मर्चेंट ऑफ वेनिस था, वो भी बहुत अच्छा प्ले था, पर जूलियस सीजर जो है वो एब्सोल्युटली एपिटमी है ऑफ द प्लेस, और विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस वर्क है। इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ड्रामा के ऊपर में ये बेस्ड है, ठीक है। जूलियस सीजर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे फेथफुल फ्रेंड्स, फिर आपको मिलेगा एक फ्रेंड जो आपको धोखा देता है, बिट्रेयल ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है। आपको मिलेगा लव, आपको मिलेगा केयर, आपको मिलेगा सुपरनैचुरल इवेंट्स, आपको मिलेंगे घोस्ट, ठीक है। आपको मिलेंगे हेवन से गॉड्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको मिलेगा वॉर, आपको मिलेगा प्लॉटिंग, आपको मिलेगी कॉन्स्पिरेसी, आपको मिलेंगे कॉन्स्पिरेटर्स, आपको मिलेगा असैसिनेशन, आपको मिलेगा क्लाइमेक्स, सब कुछ टोटल बॉलीवुड मसाला, जैसे हमारी बॉलीवुड की मूवीज होती है ना, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा जूलियस सीजर के अंदर। वैसे भी मैं आपको बता दूं, विलियम शेक्सपियर जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स के आइडियल है एकदम, ठीक है। वो लोग उनको कॉपी करते हैं, इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स है ना, बहुत सारी स्कीम्स होती है, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, वो जितने भी मूवी मेकर्स हैं वो लोग विलियम शेक्सपियर से लेते हैं। और जूलियस सीजर से बड़ा एपिटमी, बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अब जूलियस सीजर क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जूलियस सीजर एक स्टोरी, ऑब्वियसली जूलियस सीजर के बारे में है, जो कि एक रोमन एम्परर है, ठीक है। पहले उनसे पहले एक तो ट्राइम्वरेट था, माने तीन पावरफुल एम्परर थे, क्रैशस, जूलियस सीजर और पॉम्पे। क्रैशस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसको साइड कर देते हैं, पॉम्पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पॉम्पे को जूलियस सीजर हरा देते हैं इन अ वॉर, ठीक है। पॉम्पे वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, वो जूलियस सीजर के सन इन लॉ भी है, ठीक है। जूलियस सीजर की बेटी जूलिया का शादी पॉम्पे से हुआ था, ठीक है। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया और पॉम्पे जो है वो एलिमिनेट हो गए, और जूलियस सीजर मोस्ट पावरफुल राजा बन गए वहां के, ठीक है। तो जूलियस सीजर जब आप प्ले स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे जूलियस सीजर वापस रोम आ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखेगा फर्स्ट सीन में कि जूलियस सीजर रोम आ रहे हैं, और वहां के जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, वो उनका वेलकम करने के लिए रस्ते में उतरी हुई है। इस प्ले में आप देखोगे ना, बहुत जल्दी आप देखोगे कि जो पब्लिक होती है ना, वो कितनी जल्दी स्वे हो जाती है, वो कितनी फ्रिकल माइंडेड होते हैं। कोई भी अच्छा कुछ बोलता है, पब्लिक का जो ओपिनियंस होते हैं, व्यूज होते हैं, वो बहुत भी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो जब आप एक्ट वन सीन वन करोगे, आप उसमें देखोगे कि सारी की सारी पब्लिक रस्ते में उतर रही है जूलियस सीजर को वेलकम करने के लिए, ठीक है। पर बहुत सारे लोग हैं जो जूलियस सीजर को पसंद नहीं करते, बहुत को ऐसा लगता है। देखो कुछ तो सेल्फिश ही है, ठीक है। जूलियस सीजर ने इतना जल्दी मीटियोरिक राइज लिया था कि कुछ लोग, जैसे कि कैशियस, ओके, कैशियस जो है वो इस प्लेन का मेन विलेन है, ठीक है। बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ठीक है। और उसको जूलियस सीजर बिल्कुल पसंद नहीं है। प्ले में वो ये भी बताता है कि कैसे वो जूलियस सीजर से ज्यादा पावरफुल है। खैर, जूलियस सीजर रोम आ रहे हैं और बहुत सारे लोग पब्लिक को वापस भेज रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पर मत रहो, आप लोग जूलियस सीजर को वेलकम क्यों कर रहे हो, क्या आप पोम्पे को भूल गए? पोम्पे भी एक बहुत बड़ा वॉरियर था, लेकिन अभी वो नहीं है क्योंकि जूलियस सीजर जीत गया है, पोम्पे हार गया है। तो वो उनको बोलते हैं, क्या तुम पोम्पे को इतना जल्दी भूल गए? और बोल के लोगों को बाहर बोलो वापस भेज देते हैं। खैर एनीवेज, जूलियस सीजर रोम आ जाते हैं, ठीक है। और रोम में ऐसा लगता है सबको कि अब जूलियस सीजर नेक्स्ट राजा बनेंगे, और बनना भी चाहिए था उनको, बहुत पावरफुल थे, ठीक है। लेकिन ब्रूटस जो है, अब मैं आपको पहले बताऊं, जूलियस सीजर के इस प्ले में दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक है मार्क एंथनी, नाम याद रखना, और एक है ब्रूटस, ओके। ये तो आपको याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। दोनों ही जूलियस सीजर के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। ब्रूटस तो जूलियस सीजर का बेस्ट फ्रेंड है, और अगर देखा जाए तो ब्रूटस नोबिलिटी में, ठीक है, और अपनी हायरार्की में जूलियस सीजर के बराबर है। माने अगर हम पोस्ट की बात करें, नोबिलिटी की बात करें, तो जूलियस सीजर और ब्रूटस जो है वो ऑलमोस्ट एक ही स्टेटस पे हैं। मार्क एंथनी जो है वो थोड़ा सा नीचे है, फ्रेंड तो है, साइड किक टाइप का है, ठीक है। वो जूलियस सीजर का साइड किक है, लेकिन ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, ओके। तो उनके दो दो बेस्ट फ्रेंड है, ब्रूटस और मार्क एंथनी, याद रखना इस बात को, ठीक है। नाउ जब जूलियस सीजर आ जाते हैं, सबको ऐसा लगता है कि जूलियस सीजर अब राजा बनेंगे, और ब्रूटस को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ब्रूटस को ऐसा लगता है कि जूलियस सीजर थोड़े से क्या नाम है, डिक्टेटर टाइप के हैं। उनके अंदर एक टायरेंट वाली मेंटालिटी है, वो लोगों को दबाना चाहते हैं, वो लोगों को दबाएंगे, और वो रोम के लिए अच्छे नहीं है।
ब्रूटस एक बहुत ही अच्छा इंसान है, एक जेंटलमैन है, उसको रोम की बहुत परवाह है, ठीक है। वो जूलियस सीजर से जेलस नहीं है, पर वो जूलियस सीजर से कन्विंस नहीं है। उसको ऐसा नहीं लगता कि जूलियस सीजर राइट है रोम के लिए, ठीक है। इस बात को हवा देता है कैशियस। कैशियस को जब ये पता चलता है कि ब्रूटस भी इस बात को लेके थोड़ा सा डरता है कि जूलियस सीजर को राजा नहीं बनाना चाहिए, तो कैशियस जो है वो ब्रूटस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। हम इसके बारे में पहले बाद में आएंगे, पहले हम और बताते। जब जूलियस सीजर आता है वहां पर एक फीस्ट ऑफ लुपरकल होता है। फीस्ट ऑफ लुपरकल में चैस्टिटी के बारे में काम किया जाता है, जिन लेडीज लोग के बच्चे नहीं हो रहे थे उनको ब्लेस किया जाता है जिससे उनके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। वहां पर उस फीस्ट ऑफ लुपरकल में मार्क एंथनी सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर करता है, ठीक है, उस फीस्ट में। ओके, वो जूलियस सीजर का बोलता है ये लो क्राउन पहन लो। जूलियस सीजर 3ों बार क्राउन को मना करता है, लेकिन थोड़ा आस्ते और आस्ते, माने उसका मन कर रहा है कि वो ले ले। ऐसा होता है ना, हम लोगों को कभी कभी कोई केक ऑफर करता है रिलेटिव के घर पे, पर हम मना करते हैं, अरे रहने दीजिए, खाते आए, पेट भरा हुआ है, ठीक है। दूसरी बार फिर ऑफर करते हैं, छोड़िए ना, नहीं नहीं खा के आए, पेट भरा है, लेकिन मन करता है खाने का। तो वैसे ही जूलियस सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर होता है और 3ों बार जूलियस सीजर उसको मना कर देता है, पर जूलियस सीजर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसको क्राउन नहीं मिलता। इससे हम लोग को समझ में आता है कि जूलियस सीजर भी राजा बनना चाहता था। खैर, जब वो फीस्ट ऑफ लुपरकल से वापस आ रहा होता है तो उसको रास्ते में एक सूप शेयर मिलता है, माने जो प्रेडिक्शंस करते हैं, फॉर्चून टेलर जो होता है, और वो जूलियस सीजर को बोलता है कि बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी समरी के लिए, ठीक है। आइड्स ऑफ मार्च का मतलब होता है 15th of March। वो जूलियस सीजर को बोलता है कि 15th of March आपके लिए बिल्कुल सही डेट नहीं है, आप बिवेयर होइएगा, उस दिन बच के रहिएगा। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। उधर जब जूलियस सीजर लौट के आता है और जब बार बार हल्ला होता है, जब मार्क एंथनी सीजर को जो क्राउन ऑफर करता है बहुत जोर से अपरोर होता है। जितनी बार भी अपरोर होता है उतनी बार ब्रूटस को डर लगता है कि कहीं सीजर राजा नहीं बन जाए। ओके, ये बात कैशियस को पता लग जाती है और कैशियस ब्रूटस को मैनिपुलेट करता है और उसको बोलता है कि आपको तो पता ही है कि आप कितने महान हो, जूलियस सीजर उतना महान नहीं है, जूलियस सीजर एक टायरेंट है, वो तो कमजोर है, वो तो मुझसे भी डरपोक है। और अल्टीमेटली ब्रूटस जो है वो कैशियस के बहकावे में आ जाता है। यहाँ पर एक मॉरल है, जो लोग अच्छे हैं ना उसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे डिसीजन स्मार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छे लोगों को भी लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसी के लिए अच्छे लोगों को हमेशा ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो उनको बहुत इजीली मैनिपुलेट करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कैशियस ब्रूटस के संग और बहुत सारे लोगों के संग, अराउंड 10-12 लोगों के संग मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रचता है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है प्लानिंग फॉर मर्डर, ठीक है। वो सीजर को मर्डर करने के लिए एक प्लान करता है और इन लोग को हम पूरे प्ले में कॉन्स्पिरेटर्स बोलेंगे। उसमें ब्रूटस एक बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। कैशियस ब्रूटस को कन्विंस कर लेता है बहुत सारे तरीका में, वो हम लोग प्ले में देखेंगे। ओके, नाउ आज वो दिन है जब सीजर का मर्डर होने वाला है और आज आइड्स ऑफ मार्च है। उससे पहले भगवान उसको बहुत विलियम शेक्सपियर उसको बहुत सारे इंडिकेशन देता है थ्रू सुपर नेचुरल इवेंट्स। जैसे रास्ते में लायन आ जाता है, ग्रेव्स खुल जाते हैं, घोस्ट रास्ते में घूम रहे हैं, खून बह रहा है, क्लाउड्स में वॉर हो रहा है, ये बहुत सारा इंडिकेशन जो है जूलियस सीजर को दिया जाता है। उसकी वाइफ कैल्पोनिया उसको मना भी करती है कि आप आज सेनेट मत जाइए, पर जूलियस सीजर जो कि एक थोड़ा सा उसके अंदर एरोगेंस है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, वो बोलता है कि मैं इस सब चीज से नहीं डरता। और उसको इसमें कन्विंस करने के लिए कॉन्स्पिरेटर्स भी आते हैं उसको कन्विंस करने के लिए, नहीं कि आपको आज सेनेट जाना है, ठीक है। और जूलियस सीजर जैसे तैसे अपने आप को महान समझ के सेनेट पहुंच जाता है। नाउ सेनेट में कॉन्स्पिरेटर्स लोग एक बहाना से जूलियस सीजर को पूरा घेर लेते हैं। वो लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि वहां पे मार्क एंथनी नहीं रहे, मार्क एंथनी को बाहर भगा देते हैं और जूलियस सीजर के ऊपर वो लोग घेर कर उनपे हमला करते हैं। जूलियस सीजर को 23 टाइम्स टैप किया जाता है, 23 बार। ओके, माने 22+1, मैं 22+1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो आखिरी वाला एक स्टैप था ना, वो उसको किसने मारा था पता है? वो उसको मारा था ब्रूटस ने, जो जूलियस सीजर का बेस्ट फ्रेंड होता है, समझ में आ रहा है। और जब वो ब्रूटस जूलियस सीजर को मारता है तो जूलियस सीजर के मुंह से 3 वर्ड्स निकलते हैं, नहीं, आई लव यू नहीं बोलता वो उसको, वो उसको बोलता है एट टू ब्रूटे। इसका मतलब होता है यू टू ब्रूटस। और ये जो फ्रेज है ये पूरी दुनिया में छा जाता है, एक लेजेंडरी फ्रेज है कि कभी भी दोस्त जब किसी दोस्त को धोखा देता है तो वो उसको यही 3 वर्ड बोलता है एट टू ब्रूटे, माने यू टू ब्रूटस। ब्रूटस का वो जो वॉर वार होता है 23rd वाला, वो जूलियस सीजर सहन नहीं कर पाता और वो वहीं सेनेट में गिर जाता है और मर जाता है। ओके, नाउ पब्लिक भड़क जाती है जब उनको पता लगता है कि जूलियस सीजर का असैसिनेशन हो गया, पूरी पब्लिक भड़क जाती है। और यहां पर एक तो आता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
मोड इस प्ले का, जब क्या नाम है ब्रूटस खड़ा होके पब्लिक को एक स्पीच देता है। मैंने आपको बार बार बोला इसमें पब्लिक जो है वो फ्रिकल माइंडेड है, ब्रूटस आता है और अपना फेमस स्पीच डिलीवर करता है, नेता है ओरेटरी में तो बहुत अच्छा होगा, वो एक स्पीच देता है और स्पीच में वो लोगों को कन्विंस करता है कि सीजर एक टायरेंट था, सीजर एक ऐसा आदमी था जो आप सबको गुलाम बना के रखता और उसका मरना रोम के लिए बहुत अच्छा है। और जब ब्रूटस की स्पीच जब तक खत्म होती है, पूरी की पूरी पब्लिक जो होती है वो कन्विंस हो जाती है कि ब्रूटस एक नोबल मैन है, ब्रूटस बहुत अच्छा आदमी है, जूलियस सीजर गलत आदमी था और ब्रूटस ने बहुत बड़ा काम किया है जूलियस सीजर को मार के। समझ में आ रही है बात को? यहां पर लेकिन ब्रूटस से भी एक गलती हो जाती है। क्या गलती होती है? मार्क एंथनी जो है, अब आपको याद होगा वो दूसरा फ्रेंड है, फेथफुल फ्रेंड, जब उसको मालूम पड़ता है कि सीजर को मार दिया गया है तो पहले तो वो डरता है कि कई कॉन्स्पिरेटर्स उसको भी तो नहीं मारेंगे, लेकिन जब वो एक कन्विंस हो जाता है कि कॉन्स्पिरेटर्स उसको नहीं मारेंगे तो वो ब्रूटस से परमिशन लेता है कि मैं सीजर के डेथ पे लोगों से कुछ बोलना चाहता हूं, मैं उनको यही बताऊंगा कि सीजर कितना अच्छा आदमी था, ब्रूटस ही अच्छा था, ठीक है, वो यही बोलता है और वो उससे परमिशन मांगता है वहां पे स्पीक करने के लिए। ब्रूटस का भी यहाँ पे आर्गेंस आता है, वो उसको दे देता है अपॉर्चुनिटी बोलने की और वहां से चला जाता है, उसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब मार्क एंथनी को ओपन पोडियम मिलता है वो एक और बहुत ही पावरफुल स्पीच डिलीवर करता है और इस टाइम वो लोगों को फिर से भड़का देता है। मैं तुमको बोला फ्रिकल माइंडेड पब्लिक, और उनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, जो आपने शायद सुनी भी होगी, वो अपनी फेमस स्पीच देते हैं फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन वाली स्पीच, ठीक है, और पब्लिक एक बार फिर से भड़क जाती है। लेकिन मार्क एंथनी बहुत स्मार्ट है, पब्लिक को और गुस्सा दिलाने के लिए वो उन लोगों को जूलियस सीजर का विल दिखाता है, जिस विल में जूलियस सीजर में ऐसा बताया जाता है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे गार्डन, अपने सारे वॉक पब्लिक के नाम पे कर दिए हैं। पब्लिक और ज्यादा खुश हो जाती है जूलियस सीजर से और भड़क जाती है कैशियस और ब्रूटस के ऊपर में, और वहां पर फिर एक सिविल वॉर हो जाता है, ठीक है, कौन माने वो लोग पूरा के पूरे घरों में आग लगा देते हैं, सीजर माने ब्रूटस के और कैशियस के घर के पीछे भागते हैं और कैशियस को और ब्रूटस को रोम छोड़ के भागना पड़ता है। समझ में आ गया? ये करीब करीब एक्ट थ्री के अंदर सब कुछ हो जाता है, लास्ट के दो एक्ट बचते हैं एक्ट फोर एक्ट फाइव, जिसमें रिवेंज की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर टिपिकल है, विलियम शेक्सपियर का घोस्ट आता है, उनके हर प्ले में कहीं ना कहीं से सुपर नेचुरल इवेंट्स आ ही जाते हैं, तो जूलियस सीजर का जो घोस्ट है वो अब आके कैशियस को और ब्रूटस को तंग करता है, ठीक है, उनको गिल्ट गिल्टी फीलिंग करवाता है और दोनों बहुत गिल्ट हो जाते हैं और आपस में भी उनका थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है, पर एनीवेज वो लोग रेडी हो जाते हैं वॉर के लिए। यहाँ पर मार्क एंथनी जो सीजर का एक तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, और एक और लेपिडस नाम के एक तो ट्रायम्विरेट बनाता है और इनसे फाइट करता है। Obviously, फाइट में ये लोग हार जाते हैं, कैशियस और ब्रूटस, इनफैक्ट कैशियस और ब्रूटस जो है वो अपने आप खुद सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि गिल्ट बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, और सीजर का घोस्ट आके भी इनको परेशान करता है, तो ये दोनों सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं और मार्क एंथनी जो है वो अपना रिवेंज पे सक्सेसफुल हो जाता है और वो रोम का नेक्स्ट किंग बनता है। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ जूलियस सीजर, लेकिन इसको लिखा गया है बहुत ही बढ़िया ढंग से और हम लोग इसको पूरा का पूरा एक एक लाइन समझेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन याद करेंगे। वैसे मैं तुमको बता दूं, जब मैं क्लास 9 में था, मेरे भी जूलियस सीजर था, मैंने तो पूरा रट लिया था जूलियस सीजर को, स्टिल आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स, जब हम लोग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सो आई एम वेलकमिंग यू ऑल क्लास 9 गाइस, आप लोग आइए आईसीएसई के बच्चे, जूलियस सीजर को ज्वाइन कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आने वाला है, आई आई कैन प्रॉमिस यू मर्चेंट ऑफ वेनिस से ज्यादा मजा आएगा और ये वीडियोस हमारे ज्यादा पॉपुलर होंगे। चलो आई एम वेटिंग फॉर यू एंड ऑलवेज प्लीज सब्सक्राइब टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। बहुत सारे बच्चे जब उनका काम निकल जाता है अनसब्सक्राइब कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता यार, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और ऑब्वियसली एंजॉय कीजिए मयंक सर के साथ जूलियस सीजर। ओके आई एम